व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आज है 13 फरवरी 2019 और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है आपके सामने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, यानी कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका अभी आयोजन किया गया है 2019 को नई दिल्ली में किया गया है। और देखिए, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनकी जो संख्या है ये 17 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये कितने हैं। तो इनकी संख्या है 17, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये बने हुए हैं क्रम से, ये पूरे 17 हैं। और क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि कौन सा इन 17 में सम्मिलित नहीं है, तो वो मैं आप लोगों को अलग से दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, इसको जो निर्धारित किया था यूनाइटेड नेशन ने किया था, यूनाइटेड नेशन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्थापना की थी, इसको सम्मिलित किया था अपने गोल्स में। अब यहाँ भारत में जो इसका आयोजन कराया गया है, ये द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी, जिसको 1974 से पहले द टाटा एंड द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था तो इसने इसका आयोजन कराया हुआ है। इस बार की इसकी जो थीम है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अटेंडिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस, ये इसकी थीम है। देखिए, जो अभी ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को निर्धारित किया गया था, इनको 2030 तक पूरा करने की बात कही गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। थीम भी इसकी कुछ वैसी ही है, अटेनिंग द 2030 एजेंडा, यानी कि 2030 तक हमें इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना है, जिसके लिए ये सम्मेलन आयोजन किया गया है नई दिल्ली में टेरी के तत्वाधान में। इस बार फिजी में सतत विकास के लिए अभी फ्रैंक बैरी मैरामो को सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2019 भी दिया गया है, तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा निर्धारित किए गए थे। नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसको देख सकें। फिर उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वेलिटी, क्लियरन एंड सस्टेनेबल, तो ये सारे इसके 17 गोल्स हैं, इनको आप देख जरूर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है, अगर आपको ये नहीं ध्यान रहते हैं तो कम से कम आपको ये जरूर ध्यान रहना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी है, तो ये 17 है इनकी संख्या, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और इनका जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे सामने, वायुसेना प्रमुख हैं जो हमारे भारत की है V.S. धनोआ, वो अभी बांग्लादेश की यात्रा पर हैं, 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं बांग्लादेश की। तो वायुसेना प्रमुख कौन है? B.S. धनोआ। हम लोग बांग्लादेश के साथ मिलकर के किस तरह से एयर फैसिलिटी को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में बात करने के लिए अभी B.S. धनोआ को बांग्लादेश भेजा गया। तो वायुसेना प्रमुख कौन है? B.S. धनोआ। नौसेना प्रमुख कौन है? सुनील लांबा। और थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल बिपिन रावत। तो ये आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर नाम आया है बांग्लादेश का, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल कौन है, इनका नाम है मिस हजमैन सरनीबैट, ये वहाँ के वायुसेना प्रमुख है, और हमारे यहाँ से हैं B.S. धनोआ, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश के हैं। अब यहाँ पर बांग्लादेश की बात आई है तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बांग्लादेश की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसी के साथ ही यहाँ बगल में है इसका पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था। ये बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसी से मिलती जुलती है कुछ यहाँ की करेंसी, जिसका नाम है टका, यहाँ की करेंसी है। और जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद, और जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है शेख हसीना, जो कि अभी पुनः निर्वाचित होकर के हाल ही में आई हुई हैं काफ़ी भारी मतों से। तो इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो राज्य निवेश संभावित सूचकांक, ये अभी इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें शीर्ष राज्य बना है केरल, इतना आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। शीर्ष राज्य के बारे में, कौन सा शीर्ष राज्य है, तो इसको जो निर्धारित किया जाता है ये 6 मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कौन कौन से मानक हैं वो? भूमि, श्रम, शासन, बुनियादी ढांचा, आर्थिक जलवायु और राजनीतिक स्थिरता,
इन छह मानकों के आधार पर राज्य निवेश संभावित सूचकांक में शीर्ष राज्य पर केरल को बनाया गया है। अब यहाँ पर नाम आया है केरल का, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है केरल के बारे में। तो देखिए केरल के बारे में, केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पी एन आर आई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है पी सदाशिवम। देखिए दोनों का नाम पी से आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है याद करने में। चीफ मिनिस्टर पी एन आर आई विजयन, गवर्नर पी सदाशिवम। लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, मैं हर बार बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा सीटों की संख्या है 20 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 9। ये जो आप लोकेशन यहाँ पर देख रहे हैं ये ही है केरल। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने, एनटीपीसी ने अभी एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 5,000 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर टर्म आया है एनटीपीसी, इसका फुल फॉर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये एनटीपीसी का फुल फॉर्म है। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। तो ये आप इसके बारे में ज़रूर आइडिया रखिएगा, एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन, ताप विद्युत का उत्पादन एनटीपीसी द्वारा ही किया जाता है। अब दूसरा टर्म आया यहाँ पर एसबीआई। अब जब भी नाम आता है किसी भी बैंक का, मैं आप लोगों से हमेशा उसकी टैगलाइन ज़रूर डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले SBI की टैगलाइन क्या है? विद यू ऑल द वे, ये इसकी टैगलाइन है। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 1 जुलाई। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो इतना आपको SBI के बारे में ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स रिलेटेड, उसको भी देख लेते हैं। तो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो ये गुवाहाटी, असम में गुवाहाटी में इसका आयोजन शुरू हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर जब भी बैडमिंटन का नाम आता है तो आपके सामने दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर निकल कर के आते हैं। कौन? एक तो हो जाती है पीवी सिंधु और दूसरी है साइना नेहवाल। इन दोनों प्लेयर के बारे में आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछता है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है या फिर साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों प्लेयर बैडमिंटन खेलती हैं। अभी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा ही पार्टिसिपेट किया जाना है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन गुवाहाटी में शुरू हुआ है। अब यहाँ पर नाम आया है असम का, तो असम के बारे में भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, देखिए असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है कामरूप। तो ये आप इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, असम के पुराने नाम के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, असम की कैपिटल दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं सर्वानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीटों की संख्या, सॉरी ये यहाँ पर शायद गलत लिखा हुआ है, एक मिनट। तो लोकसभा सीटों की संख्या 14 सही है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है यहाँ पर। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लोकेशन आप ध्यान सकते हैं, ये है पूर्वोत्तर का स्टेट है ये आपका असम, और यहाँ पर 7 sister and 1 brother सिक्किम। मैं हर हमेशा बताता हूँ, इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अच्छा देखिए, कल हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 3 दिन तक चलने वाले पेट्रोटेक का उद्घाटन किया है 13वें। हमारे टारगेट फैमिली के ही एक मेंबर हैं जिन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। मैं बता दूँ फिर से, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है और इसमें लगभग 70 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ। ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, जब भी आपको कभी ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न हुआ करे तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जा करके डेटा देख लिया करिए। मैं वहीं से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही डेटा उठा करके आप लोगों को पब्लिश करता हूँ, तो कन्फ्यूज़न मत रखा करिए। काफ़ी आप लोगों ने शानदार तरीके से आंसर दिया, तो जिन भी भैया को कन्फ्यूज़न था ये आप क्रिस्टल क्लियर रखिएगा कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ना कि धर्मेंद्र प्रधान ने। और ये पेट्रोटेक 13वें नंबर का सम्मेलन है जिसमें 70 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फैक्ट आपके सामने। तो भारत ने अभी समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए नॉर्वे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सॉरी, देखिए जो ओशन है, समुद्र है, वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अभी हाल ही में ग्रहण करता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि समुद्र सबसे ज़्यादा CO2 को अवशोषित करता है,
इसीलिए वो सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण जो भी यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए प्रदूषण को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए भारत ने अभी नार्वे के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा देखिए, नार्वे का नाम आया है यहाँ पर, तो नार्वे की कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर दौरे पर आई थी, तो उन्होंने रायसीना डायलॉग में हिस्सा भी लिया था। मैंने आप लोगों से इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। मैं एक बार नॉर्वे की लोकेशन दिखा दूं आपको, ताकि आप चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सके। बीचों बीच रही सोने की चिड़िया भारत, और यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है नॉर्वे। थोड़ा सा जूम करते हैं, ये है नॉर्वे और ये इसकी कैपिटल ओस्लो। थोड़ा सा जूम करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है एरेना सोलबर्ग, और जो यहाँ पे करेंसी चलती है वो है नॉर्वेजियन क्रोना। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, मैंने तीनों देशों के बारे में आपको बताया था, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ये आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कौन कौन सी कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं, तो ये नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड, ये तीन कंट्रीज हैं जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं। अब आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने, नेक्स्ट न्यूज है इसराइल का अभी डैन डेविड पुरस्कार 2019 संजय सुब्रमण्यम को दिया गया है। तो संजय सुब्रमण्यम कौन है? तो संजय सुब्रमण्यम एक फेमस इतिहासकार हैं जिन्हें अभी इसराइल का डैन डेविड पुरस्कार 2019 दिया गया है। अच्छा, अब यहां पर इसराइल आ गया है, तो इसराइल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि देखिए इसराइल में काफी विवादित है अभी अमेरिका और इसराइल। अमेरिका ने अभी इसराइल की कैपिटल में जो जेरूशलम है, चलिए मैं आपको एक बार लोकेशन ही दिखा देता हूं ताकि आप और क्लियर कर सकें। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है इसराइल, तो इसराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूशलम, और यहीं से मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये है जेरूशलम, और यहीं से अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को हटा करके तेल अवीव स्थानांतरित कर दिया था। इसलिए ये काफी विवादित हो जाता है, क्योंकि अभी जेरूशलम को नई राजधानी के रूप में घोषित किया गया था, बहुत ही विवादित राजधानी रही है कुछ दिनों में ही। तो ये इसराइल की राजधानी है जेरूशलम, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसराइल के बारे में। और ये इसराइल जो आप देख रहे हैं ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछ लेता है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डन पदक को अभी ऑस्ट्रेलिया के ही एक प्लेयर है जिनका नाम है पैट कमिंस, उन्होंने अभी इसको जीता हुआ है। अब ये एलन बॉर्डर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो ये जो देखिए एलन बॉर्डर होता है, ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी घरेलू प्रतिस्पर्धा होती है क्रिकेट के क्षेत्र में, उसमें सबसे हाइएस्ट होती है एलन बॉर्डर। जैसे हम लोगों की इंडिया में आप देखें तो रणजी होती है, वैसे ही यहाँ पर एलन बॉर्डर पदक होता है ऑस्ट्रेलिया का। पैट कॉमिंस प्लेयर है जिसने अभी इसको जीत लिया है। अब यहाँ पर नाम आया है ऑस्ट्रेलिया का, तो चलिए मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ले चलता हूँ यहाँ से, ताकि आप चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ सके। यहाँ पर बीचों बीच रही भारत, और यहाँ से चले आप जब, तो ये रहा आपके सामने ऑस्ट्रेलिया। ये आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। थोड़ा सा और जूम करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल रही कैनबेरा, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, और मुद्रा रही डॉलर। जब भी किसी देश का नाम आया करे तो उसकी करेंसी, उसके कैपिटल, उसके प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में ध्यान ज़रूर रखा करिए। अब चलिए मैं आपको एक बार क्विक रिविज़न देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और गोल 17 है उनके बारे में भी मैंने आपको बताया। ये इनकी संख्या आप ध्यान रखिएगा, 17 है संख्या, और 2030 तक का इनका लक्ष्य है। इसके बाद बीएस धनोआ वायुसेना प्रमुख 4 दिवस की बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। राज्य निवेश संभावित सूचकांक में केरल को टॉप पर स्थान दिया गया है, और NTPC ने 5,000 करोड़ रुपए का ऋण समझौता SBI पर हस्ताक्षर किए हैं। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का गुवाहाटी में आयोजन हो रहा है, और पेट्रोटेक 2019 जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में कंफ्यूजन मत रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, कल जो भी न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस की गई थी वो एकदम सही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल फैक्ट देखे। भारत ने अभी ओशन पॉल्यूशन के लिए नॉर्वे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसराइल का डैन डेविड पुरस्कार संजय सुब्रमण्यम यानी कि SS संजय सुब्रमण्यम ने जीत लिया है, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। एलन बॉर्डर पदक ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने जीत लिया है। अब ये है आपके सामने आज का क्वेश्चन।
आज का क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य निवेश संभावित सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है, और इतना ही नहीं आपको उस राज्य के बारे में सब कुछ लिखना है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, उसकी कैपिटल क्या है, जो भी चीज़ें आपको उस राज्य के बारे में पता होती हैं उन सबको आपको यहाँ पर लिखना है। लिख देने से आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हेल्प ईच अदर, सेव द नेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।